गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे आईपीएम के टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले कल्चरल कंट्रोल पढ़ा, उसके बाद हमने मैकेनिकल कंट्रोल पढ़ा, उसके बाद हमने फिजिकल कंट्रोल पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे आज वो है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी आपके आईपीएम के अंदर ही आता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। अब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि होस्ट का मतलब क्या है। तो होस्ट किसको बोलेंगे, वो चीज़ होस्ट को अगर हम वर्ड में डिफाइन करना चाहिए तो हम इसको बोल सकते हैं पोषक, यानी कि जो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी इंसेक्ट की बात करें, अगर कोई इंसेक्ट, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट किसी प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो वो प्लांट उसका क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उससे उसको पोषण मिल रहा है, तो वो हो गया होस्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि होस्ट क्या है। ठीक है, फिर है प्लांट रेजिस्टेंट। तो होस्ट प्लांट का मतलब क्या हो गया, पोषक पादप। ठीक है, जो क्या है, इंसेक्ट वगैरह को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। या फिर बात करें जो इंसेक्ट है अपने लाइफ साइकिल के लिए जिस पादप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो क्या हो, उसका होस्ट प्लांट हो गया। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता दिखाना, यानी कि उसको जो भी होस्ट प्लांट है उसके द्वारा जो प्रतिरोधन किया जाता है, या फिर बात करें उसके द्वारा जो इंसेक्ट है उसके द्वारा होने वाला जो डैमेज है उसको कम किया जाता है, या उसको रोका जाता है, या इंसेक्ट द्वारा जो होने वाला डैमेज है उसके विरुद्ध जो होस्ट प्लांट जो होता है उसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब बात करेंगे होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी, तो क्या है कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटीज़। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सापेक्ष, अमाउंट का मतलब मात्रा। ठीक है, तो वो सापेक्ष मात्रा हेरिटेबल क्वालिटीज़। ठीक है, अब हेरिटेबल का मतलब क्या होता है, अनुवंशिक, यानी कि पादप के अंदर जो अनुवंशिक रूप से रहती है। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ हेरिटेबल क्वालिटीज़ पजेस्ड, यानी कि जो रहती है उसके अंदर, पजेस्ड यानी उसके अंदर जो है। ठीक है, बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा, विच इन्फ्लुएंस द अल्टीमेट डिग्री ऑफ डैमेज डन बाय द इंसेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी पादप जो है उसके अंदर जो अनुवंशिक गुण जो है, ठीक है, उसकी जो सापेक्ष मात्रा है प्लांट के अंदर, अब वो क्या करती है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, यानी कि ये जो मात्रा है अनुवंशिक गुणों की वो प्रभावित करती है किसको, द अल्टीमेट डिग्री ऑफ डैमेज। डिग्री ऑफ डैमेज का मतलब क्या है, उसके द्वारा जो होने वाला नुकसान है, उसके द्वारा होने वाली जो क्षति है, ठीक है, उसको डन बाय द इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के द्वारा। तो इंसेक्ट के द्वारा होने वाला जो नुकसान है या उसके द्वारा होने वाली जो क्षति है उसके विरुद्ध जो प्लांट होता है वो अपने अनुवंशिक गुणों से क्या करता है, उसको प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सीधी सी बात यही है कि प्लांट के द्वारा, इंसेक्ट द्वारा जो होने वाली क्षति है उसके विरुद्ध कोई भी बात करे रोक लगाना या फिर उसको रोकना, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है इससे रिलेटेड, देख लीजिए कि लेजर डैमेज। अब ये बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है या फिर ससेप्टिबल क्या होता है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस का तो मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिरोधक। ठीक है, जो प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। लेजर डैमेज यानी कि कम डैमेज देन एवरेज डैमेज इज टेकन एज रेजिस्टेंस। अब एवरेज डैमेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था डैमेज बाउंड्री एक टर्म बताई थी, इसका मतलब क्या होता है कि एक बाउंड्री सुनिश्चित की जाती है कि इस लेवल तक अगर डैमेज होता है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। अब इससे बाद में अगर होने लग गया, यानी कि वो डैमेज बाउंड्री है जहाँ से डैमेज स्टार्ट होता है, तो नॉर्मल एक डैमेज माना जाता है। फिक्स अगर बात करें हर पेस्ट के द्वारा कि अगर इसके द्वारा इतनी जो मात्रा में अगर डैमेज हो रहा है तो उसको नॉर्मल मानेंगे, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो हायर है और कम होता है तो लोअर है। यानी इसका कहने का मतलब है जो एवरेज डैमेज जो है, ठीक है, एवरेज डैमेज जो है अगर उससे कम डैमेज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अगर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, लेजर डैमेज देन एवरेज डैमेज इज टेकन एज रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। वाइल मोर डैमेज यानी कि ज़्यादा जो नुकसान होता है देन एवरेज डैमेज, उसको क्या बोलेंगे, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यानी कि सहनशीलता नहीं सॉरी यानी कि उसको एक्सेप्टिबिलिटी जो उसकी होती है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी।
अब बात करेंगे, ये तो हो गई चीज़ कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ससेप्टिबल क्या होता है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक वैरायटी, कोई भी वैरायटी है, प्रोड्यूस हाई यील्ड यानी कि ज़्यादा उपज देती है देन ससेप्टिबल वैरायटी। ठीक है, जो एक ससेप्टिबल वैरायटी है उससे ज़्यादा देती है। ठीक है, कब, जब क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेम हो, यानी कि वो एक ही फील्ड के अंदर है, उनके ऊपर एक ही पेस्ट के द्वारा डैमेज हो रहा है, सेम क्वालिटी क्वांटिटी में डैमेज हो रहा है, फिर भी क्या है, एक जो है वो तो क्या है कम प्रभावित होता है और एक है जो ज़्यादा प्रभावित होता है, तो जो कम प्रभावित होगा उस पेस्ट से वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि रेजिस्टेंट वेराइटी प्रोड्यूस हायर यील्ड देन ससेप्टिबल वेराइटी व्हेन बोथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम एक्सटेंट ऑफ इन्फेस्टेशन, यानी कि इन्फेस्टेशन जो हो रहा है उनके ऊपर वो भी सेम हो रहा है, बाय द सेम इंसेक्ट सेम कीट के द्वारा और सेम टाइम पे, फिर भी क्या है, एक जो है वो कम प्रभावित होता है, एक ज़्यादा प्रभावित होता है, जो ज़्यादा प्रभावित होगा वो क्या हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंट हो जाएगा जो कम प्रभावित होगा। ठीक है, रेजिस्टेंट इज ए रिलेटिव टर्म ओनली कंपेयर्ड विद लेस रेजिस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी, यानी कि रेजिस्टेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसके ऊपर डैमेज होगा ही नहीं, होगा लेकिन ससेप्टिबल जो है उससे कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। चलिए आगे बात करेंगे, अब है मैकेनिज्म। ठीक है, जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है उसका मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, अब यहाँ पे बात करेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे आर एच पेंटर, ठीक है, आर एच पेंटर ने 1951 में क्या है सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है इसको डिस्क्राइब किसने किया था, आर एच पेंटर एक साइंटिस्ट है, 1951 में इन्होंने इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, हैज़ ग्रुप द मैकेनिज्म ऑफ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस इंटू थ्री मेन कैटेगरीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि तीन मेन ग्रुप में इसको बांटा था। अब वो ग्रुप कौन कौन से थे, फर्स्ट तो है नॉन प्रेफरेंस, या फिर इसको बोलते हैं एंटीजिनोसिस। ठीक है, ये क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है नॉन प्रेफरेंस या एंटीजिनोसिस, सेकेंड है एंटीबायोसिस एंड थर्ड है टॉलरेंस। इन्होंने क्या किया था कि मैकेनिज्म जो है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट है उसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, नॉन प्रेफरेंस या इसको एंटीजिनोसिस बोलते हैं, एंटीबायोसिस और टॉलरेंस। अब होता क्या है, अब मैं आपको जनरल व्यू बता देता हूँ, फिर अपने एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि हम उसको क्या कर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना क्या कहलाता है, प्रेफरेंस। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रेफरेंस लिखा हुआ है, यानी कि उसका जस्ट उल्टा, यानी कि हम अगर किसी चीज़ को प्राथमिकता नहीं देते हैं, अगर इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लांट जो होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट जो है उसके द्वारा होने वाला उसके ऊपर जो नुकसान है, या फिर उसके ऊपर जो उसकी स्टेज होती है, मान लीजिए एगलिंग की स्टेज होगी, या फिर जो भी प्यूपा से एडल्ट बदलता है, तो वो क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, या बात करें वो उसको क्या है प्रेफरेंस नहीं देता है प्लांट जो है इंसेक्ट की स्टेज को, तो इसको नॉन प्रेफरेंस बोलते हैं। फिर आती है एंटीबायोसिस। तो एंटीबायोसिस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है उसके द्वारा कुछ केमिकल, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड यानी कि विषाक्त जो है पदार्थ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है इंसेक्ट इसके ऊपर डैमेज नहीं करता है। और टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, यानी कि प्लांट के ऊपर डैमेज तो होगा लेकिन वो क्या है उसको रिकवर कर लेता है बहुत जल्दी वापस से, तो इसको टॉलरेंस बोलेंगे। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पे क्या है, इसके साथ साथ क्या है, बहुत से साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर काम किया, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस और इसके मैकेनिज्म पे। तो सब इसमें क्या है, जो आर एच पेंटर ने जो क्लासिफाई किए थे ये तीन जो कैटेगरी, इसको सबसे बेस्ट माना गया। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने दिया था नॉन प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए, वेरियस वर्कर हैव अटेम्प्ट द क्लासिफाई ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, द टर्म डिफाइंड बाई पेंटर, यानी कि पेंटर ने जो टर्म डिफाइन की थी नॉन प्रेफरेंस की, एंटीबायोसिस की एंड टॉलरेंस की, वर वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको स्वीकार किया गया। परंतु दो साइंटिस्ट थे कोगन एंड ऑल्टमैन, इन्होंने 1978 में क्या किया था, एक छोटा सा चेंज किया था। अब वो चेंज क्या किया था, इन्होंने नॉन प्रेफरेंस की जगह क्या वर्ड प्रेफर किया, इन्होंने प्रेफर किया एंटीजिनोसिस वर्ड। उसका रीजन क्या है, प्रपोज्ड दैट द टर्म, इन्होंने क्या कहा कि द टर्म नॉन प्रेफरेंस जो टर्म है, कि नॉन प्रेफरेंस जो टर्म दी गई है पेंटर के द्वारा, वो क्या है, शुड बी रिप्लेस्ड बाई एंटीजिनोसिस, इससे रिप्लेस करनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज क्योंकि फॉर्मर जो पहले वाली जो नॉन प्रेफरेंस टर्म है वो क्या डिस्क्राइब करती है, ए पेस्ट रिएक्शन, ये किसी भी कीट के द्वारा जो होने वाली रिएक्शन है उसको डिफाइन कर रही है। नॉन प्रेफरेंस का किसको डिफाइन कर रही है,
कीट के द्वारा होने वाले रिएक्शन को, लेकिन एंड नॉट ए प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये पादप का कोई गुण नहीं हुआ। नॉन प्रेफरेंस क्या है, ये इंसेक्ट का एक गुण हुआ कि वो उसको प्रेफरेंस नहीं कर रहा है, प्रेफर नहीं कर रहा है प्लांट को। लेकिन होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस में क्या होना चाहिए कि हमें किसके बारे में बताना है, प्लांट के बारे में। तो इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया था कि इन्होंने जो नॉन प्रेफरेंस टर्म जो है उसकी जगह एंटीजिनोसिस टर्म यूज़ की थी कोगन एंड ऑल्टमैन ने, ठीक है। फिर द थ्री टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस आर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट एंड इंसेक्ट, यानी कि तीनों टाइप के जो भी फंक्शंस या फिर बात करें जो ग्रुप हैं, इनको इन्होंने क्या करते हैं, इसको किस अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, प्लांट और इंसेक्ट के बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं, जो उनके रिलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है। तो एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है वो है नॉन प्रेफरेंस या फिर एंटीजिनोसिस, ठीक है। नॉन प्रेफरेंस या एंटीजिनोसिस, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस कंडीशन में क्या होता है, नॉन प्रेफरेंस में जो प्लांट जो होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट की जितनी भी स्टेज उसके ऊपर, यानी कि वो जो आश्रित रहता है, ठीक है, या उसको सहारा देता है फूड के लिए हो या फिर उसके ऊपर एगलिंग उसको करनी है, तो उसके लिए प्रेफरेंस नहीं देता है, ठीक है, या फिर इंसेक्ट उसको प्रेफर नहीं करता उस प्लांट को, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रेफरेंस या एंटीजिनोसिस। देखिए यह मतलब क्या है, द टर्म नॉन प्रेफरेंस रेफर्स टू द रेस्पॉन्स ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि जो कीट का रेस्पॉन्स है, ठीक है, कीट का जो रेस्पॉन्स है टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट की हमने बात करें जिसके ऊपर वो आश्रित रह रहा है, तो उसके गुणों के ऊपर कीट का क्या है, रेस्पॉन्स जो है उसको बोलते हैं नॉन प्रेफरेंस। अब क्या है, देखिए, विच मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी कि वो अट्रैक्टिव नहीं होता, उसको आकर्षित नहीं करके बल्कि क्या है, प्रतिकर्षक करता है उसको, यानी विरोध करता है, अनअट्रैक्टिव टू द इंसेक्ट। इंसेक्ट क्यों क्या है अनअट्रैक्टिव, अब वो किस किस लिए हो सकता है, हो सकता है वो फीडिंग के लिए हो, ठीक है, भोजन के लिए, ओविपोजिशन के लिए यानी कि एगलिंग वगैरह के लिए, या फिर शेल्टर यानी कि आवास के लिए, सहारे के लिए, तो ये चीज़ें हो सकती है। यानी कि कीट का रिस्पॉन्स प्लांट के प्रति, ठीक है, प्लांट के गुणों के प्रति जो क्या करता है, उसको अनअट्रैक्टिव यानी कि प्रतिकर्षक करता है, आकर्षित नहीं करता है, किसके लिए, फीडिंग के लिए, यानी कि इंसेक्ट उसके ऊपर फीड नहीं कर पाए इसलिए उसको, या फिर बात करें ओविपोजिशन, वो उसके ऊपर एगलिंग नहीं कर पाए, या फिर आवास जो है इसके लिए, तो ये क्या कहलाता है, नॉन प्रेफरेंस, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, सम प्लांट्स आर नॉट चूजन बाय इंसेक्ट, यानी कि कुछ जो प्लांट है उनको कीटों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, किसके लिए, फूड के लिए, या फिर शेल्टर के लिए, या फिर ओविपोजिशन के लिए, इनके लिए स्वीकार नहीं किया जाता है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ आइदर द एबसेंस, अब क्या है, एबसेंस होना, किस चीज़ की कमी, ऑफ डिज़ायरेबल करेक्टर्स इन द प्लांट, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या है, उस वांछित गुण की कमी होना, जिसकी वजह से क्या है, उससे भोजन प्राप्त नहीं करता है, या फिर आवास नहीं लेता है, या फिर ओविपोजिशन नहीं करता है, ठीक है। डिज़ायरेबल करेक्टर्स इन द प्लांट लाइक, अब वो क्या हो सकता है, प्लांट का टेक्स्चर हो सकता है, उसके गुण, उसकी हेरीनेस, उसका टेस्ट। हेरीनेस का मतलब क्या है, कुछ प्लांट आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ के ऊपर, पत्ती के ऊपर, ठीक है, तो वो हो सकता है। टेस्ट हो सकता है, यानी कि जो प्लांट है, लीफ है, उसका टेस्ट जो है, हो सकता है उस टेस्ट को इंसेक्ट पसंद नहीं कर रहे हो, तो भी क्या है, वो नॉन प्रेफरेंस नहीं आएगा। या फिर फ्लेवर हो गया, उसकी जो सुगंध हो गई, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ अनडिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, या फिर क्या है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उसमें विद्यमान हैं जिनको इंसेक्ट डिज़ायर नहीं करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनकी वजह से क्या होता है, कुछ प्लांट जो होता है उनको इंसेक्ट द्वारा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, सच प्लांट, ऐसे जो प्लांट होंगे वो क्या है, लेस डैमेज्ड बाय दैट पेस्ट, उस पेस्ट से क्या, उस कीट से क्या है, कम नुकसान होंगे उससे, ठीक है, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड नॉन प्रेफरेंस, और ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि हेरी वेराइटीज़ ऑफ सोयाबीन, अब हेरी वेराइटीज़ का मतलब क्या है, ऐसी वेराइटीज़ जिसमें क्या है, सोयाबीन की जो पत्तियाँ होगी उसके ऊपर क्या, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी, एंड कॉटन या फिर कॉटन के अंदर, ठीक है, आर नॉट प्रेफर्ड बाय लीफ होपर फॉर ओविपोजिशन, यानी लीफ होपर जो पेस्ट होता है उसकी खास बात क्या होती है कि वो लीफ के अंदर यानी कि लीफ की अपर या लोअर सरफेस जो होती है वहाँ पे एगलिंग करता है। अब मान लीजिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ठीक है,
अब लीफ होपर जो है वो इसके ऊपर एगलिंग करता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है, अगर इस प्रकार से इस लीफ जो है इसके ऊपर हेयर्स पाए जाएंगे अलग अलग, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लीफ होपर है वो एगलिंग के लिए अपना ओविपोजिटर जो है वो इसके ऊपर इंजेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी हेयर्स की वजह से क्या है वो ओविपोजिटर जो होता है उसका वो लीफ की सरफेस को टच नहीं कर पाता। अगर वो टच नहीं कर पाता तो क्या होता है उस कंडीशन में उसकी एगलिंग नहीं होती। तो यानी ये किसका, ये क्या गुण हुआ प्लांट का, ये नॉन प्रेफरेंस का गुण हुआ है ना, कि वो प्लांट जो है वो उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहा, यानी कि प्राथमिकता नहीं देता है, या फिर बात करें इंसेक्ट जो है वो उसको प्राथमिकता नहीं देता है ऐसे प्लांट्स पे एगलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया नॉन प्रेफरेंस या एंटीजेनेसिस, यानी प्लांट का कोई भी ऐसा गुण जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो उसके ऊपर भोजन प्राप्त करने के लिए या फिर आवास के लिए या फिर एगलिंग के लिए ओविपोजिशन के लिए आश्रित नहीं होता है या फिर उसको प्रेफरेंस नहीं देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रेफरेंस। तो ये हो गया फर्स्ट। अब बात करेंगे सेकंड जो है इसका, ठीक है, सेकंड ग्रुप है एंटीबायोसिस। अब एंटीबायोसिस में क्या होता है, मैंने आपको अब नॉर्मल आपने वर्ड तो सुना ही होगा एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें यानी ऐसा केमिकल होता है जो क्या है बैक्टीरिया को मारने के काम आता है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के काम आएगा। अब वैसे ही क्या होता है एंटीबायोसिस में सेम ही है, यानी कि इसमें क्या होता है प्लांट द्वारा कुछ केमिकल्स का या फिर कुछ टॉक्सिक का प्रोड्यूस किया जाता है, कुछ जो है विष को उत्पादित किया जाता है, जिससे क्या होता है इंसेक्ट जो है वो उस प्लांट को प्रेफर नहीं करता है, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल में। अब देखिए इसमें क्या होगा, एंटीबायोसिस रेफर्स एडवर्स इफेक्ट, यानी एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि विपरीत प्रभाव जो होता है उसके ऊपर। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, यानी कि उसके ऊपर क्या है एडवर्स इफेक्ट, उल्टा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एंटीबायोसिस रेफर्स टू दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन दी इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर होस्ट प्लांट का एडवर्स इफेक्ट यानी कि विपरीत प्रभाव ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस, किसकी वजह से, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि विष वाले जो सब्सटेंस होते हैं, यौगिक होते हैं विष वाले, उनकी प्रेजेंस की वजह से क्या है वो उसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर उसका उल्टा इफेक्ट होता है इंसेक्ट के ऊपर। अगर इंसेक्ट आश्रित रहने की कोशिश करेगा तो इन ये जो केमिकल है इसकी वजह से उसके ऊपर क्या होगा, उल्टा प्रभाव पड़ेगा। और एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल कंपाउंड, या फिर क्या हो गया, जो भी उसके लिए न्यूट्रिएंट चाहिए इंसेक्ट के लिए उनकी क्या कमी होगी, एब्सेंस होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीबायोसिस, ठीक है। द एडवर्स इफेक्ट, अब ये जो उल्टा प्रभाव एडवर्स इफेक्ट में भी रिड्यूस क्या क्या कर सकता है, एक तो क्या करेगा रिड्यूस्ड फिकंडिटी, यानी कि उसकी फिकंडिटी, यानी फिकंडिटी किसको बोलते हैं, उसके एक इंसेक्ट जो होता है उसके अपने लाइफ साइकिल में जो संतति बढ़ाने की जो उसके अंदर क्वालिटी जो होती है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या वो अपने लाइफ साइकिल में जितने ज़्यादा एग रिप्रोड्यूस करता है या बात करें संतति आगे बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी फिकंडिटी। तो ये क्या है फिकंडिटी को कम करता है, या तो, या फिर डिक्रीज साइज को कम करेगा, या फिर लॉन्ग लाइफ साइकिल कर देगा, यानी कि क्या करेगा एंटीबायोटिक से क्या होगा उस प्लांट में जो केमिकल है उसकी वजह से लाइफ साइकिल बढ़ जाता है इंसेक्ट का। नॉर्मली जो होता है मान लीजिए कैटरपिलर स्टेज अगर 10 दिन की है तो ये इसको बढ़ा के 20 दिन की कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे जो भी नेचुरल एनिमीज है या प्राकृतिक शत्रु जो होंगे उनको ज़्यादा समय मिलेगा इनको फीड करने के लिए, इनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो या ये हो सकता है। या फिर है फेल्योर ऑफ लार्वा टू प्यूपेट, यानी कि लार्वा से प्यूपा बनना कई बार क्या है फेल हो जाता है, यानी कि लार्वा से प्यूपा ही नहीं बन पाता है, किसकी वजह से टॉक्सिक कंपाउंड की वजह से जो उस प्लांट के अंदर है। या फिर फेल्योर ऑफ एडल्ट इमरजेंस, या फिर क्या होगा जो प्यूपा होगा प्यूपा से एडल्ट ही नहीं बनेगा यानी प्रोड कीट ही नहीं निकलेगा। तो इतने सारे चेंज हो सकते हैं एंड इंक्रीज मोर्टिलिटी और बाद में, और या फिर क्या होगा कि वो मृत्यु दर जो होती है इंसेक्ट की उसको बढ़ा देता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं किसकी वजह से, एडवर्स इफेक्ट होते हैं किसकी वजह से, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, यानी कि विषाक्त जो भी पदार्थ होंगे यौगिक होंगे प्लांट की वजह से उनके द्वारा इतने सारे चेंज हो जाएंगे। क्या क्या, कि या तो उसकी फिकंडिटी कम हो जाएगी, या उसका साइज कम हो जाएगा, या उसका लाइफ साइकिल बड़ा हो जाएगा, या फिर क्या है लार्वा से प्यूपा नहीं बनेगा, अगर बन गया तो प्यूपा से एडल्ट नहीं बनेगा, और या फिर क्या है उसकी मृत्यु दर जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सारे चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए द मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है इसका, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस इज डिम्बोआ। ये क्या है, एक
टॉक्सिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंस रहता है किसके अंदर, मेज के अंदर, ठीक है। डिम्बोआ क्या होता है, 2,4-dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzaxine। अब आपको ये नाम याद नहीं रखना इतना ज़्यादा, आप बस ये याद रखना डिम्बोआ एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। क्या डिम्बोआ प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, मेज के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, विच इम्पार्ट केमिकल डिफेंस, ये क्या करता है, केमिकल डिफेंस करता है, यानी इसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरोपियन कॉर्न बोरर एक पेस्ट लगता है कॉर्न के अंदर, ठीक है, यूरोपियन कॉर्न बोरर जिसका साइंटिफिक नेम होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूवेलिस, ये क्या होता है, इसका डैमेज नहीं हो पाता है, ठीक है, डिम्बोआ की वजह से। तो ये क्या हो गया, एंटीबायोसिस तो है, यानी कि इसके द्वारा डिम्बोआ टॉक्सिक कंपाउंड को प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से मेज के ऊपर जो है यूरोपियन कॉर्न बोरर जो पेस्ट है उसका नुकसान नहीं हो पाता है या डैमेज नहीं हो पाता है। लास्ट है इसमें देखिए थर्ड टॉलरेंस, ठीक है, लास्ट थर्ड है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस में क्या होता है, इसका मतलब होता है सहनशीलता, ठीक है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। अब सहनशीलता में क्या होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, डैमेज तो होता है प्लांट के ऊपर, डैमेज होगा इंसेक्ट का, लेकिन क्या होता है जो प्लांट होता है वो इसको रिकवर कर लेता है बहुत जल्दी, तो इसको क्या बोलते हैं, सहनशीलता। अब सहनशीलता मतलब से ही पता चल रहा है, यानी कि नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये सहन कर सकता है जो इफेक्ट हो रहा है या जो नुकसान हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा, उसको क्या है ये सहन कर सकता है। तो देखिए क्या होगा कि सम प्लांट्स विद स्टैंड का मतलब क्या होता है, बने रहते हैं द डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ टिलर्स। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट जो है वो बने रहते हैं इंसेक्ट के द्वारा होने वाले नुकसान के बावजूद भी। अब वो किस किस वजह से हो सकता है, अब वो क्या करेंगे, या तो प्रोड्यूस करेंगे क्या मोर नंबर ऑफ टिलर, यानी कि प्लांट के अंदर जो टिलर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो उसको वो बने रह सकते हैं, या फिर रूट्स की या फिर लीव्स की। तो इन सभी वजह से क्या है, ये गुण होते हैं प्लांट के जिसकी वजह से क्या है वो बने रहते हैं, या फिर इंसेक्ट के द्वारा होने वाला जो डैमेज है उसके बावजूद भी क्या है डेड नहीं होते, या फिर बात करें तो विद स्टैंड यानी बने रहते हैं। देखिए इन द प्लेस ऑफ डैमेज्ड प्लांट पार्ट्स सच प्लांट्स सेड टू बी टॉलरेंट, इन प्लांट को क्या बोलेंगे, टॉलरेंट प्लांट बोलेंगे टू दैट पर्टिकुलर पेस्ट, हर पेस्ट के, यानी उस स्पेसिफिक पेस्ट के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है हर पेस्ट के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक पेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्रॉप का जो प्लांट है वो क्या है टॉलरेंस दिखा सकता है। अब देखिए टॉलरेंस यूजली रिजल्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि एक या फिर क्या एक से अधिक जो कारक है उनकी वजह से क्या है ये हो सकती है टॉलरेंस। अब देखिए क्या है, एक तो जनरल विगर ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का जो जनरल विगर बोलते हैं ओज को, यानी कि उसमें ओज जो है उसके गुण जो है जनरल विगर उसकी वजह से हो सकता है, या फिर रीग्रोथ ऑफ डैमेज टिश्यू, या फिर क्या है प्लांट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो रीग्रोथ कर जाता है जो भी क्या है डैमेज किए हुए टिश्यू है उनको वो रीग्रोथ कर लेता है या रिकवर कर लेता है, या फिर क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा मजबूत है, या फिर एंड रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, यानी कि मजबूत है तो वो क्या होगा गिरता नहीं है, लॉजिंग का मतलब क्या होता है गिरना, तो वो गिरेगा नहीं। प्रोडक्शन ऑफ एडिटिव ब्रांचेज, इसमें क्या होगा, अब वो क्या है एडिटिव, यानी कि इसके साथ साथ अलग जो ब्रांच होती है एडिटिव जो ब्रांच होती है उनको भी प्रोड्यूस करता रहता है, ये भी हो सकता है, या फिर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन वाइटल प्लांट पार्ट, ठीक है, यानी कि जो वाइटल का मतलब क्या होता है प्रभावी, ठीक है, तो जो वाइटल प्लांट पार्ट्स होते हैं उनका भी एफिशिएंट यूटिलाइज करता है प्लांट इंसेक्ट के जो है डैमेज को सहन करने के लिए, ठीक है, ये हो सकता है बाय द इंसेक्ट एंड कंपनसेशन बाय ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ से क्या है ये क्या लगातार ग्रोथ करता रहेगा तो क्या इंसेक्ट के द्वारा जो डैमेज भी हो रहा है तो वो क्या है कवर हो जाता है रिकवर हो जाता है, ठीक है, एंड कंपनसेशन बाय ग्रोथ ऑफ नाइबरिंग प्लांट, यानी कि आसपास के जो प्लांट है उनकी जो ग्रोथ हो रही है उनकी सहारे से भी क्या है ये डैमेज को कम कर लेते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या है जो प्लांट है वो टॉलरेंस दिखाता है, ठीक है, सहनशीलता दिखाता है, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए कि अर्ली, अब इसका एग्जांपल मैं बता दूं कि सोरगम के अंदर एक पेस्ट लगता है सोरगम सूट फ्लाई, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। अब वो क्या होता है कि लेट अगर हम सोइंग करते हैं तो उसका ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक है,
और अर्ली अगर लेट डैमेज हम क्रॉप बोते हैं तो उसका ज़्यादा डैमेज होता है, और वो डैमेज क्या होता है, जिस प्लांट के ऊपर उसका डैमेज हो गया उसमें डेड हेड बना देता है और उसके ऊपर टिलर नहीं लगते, यानी कि उसके ऊपर सीड ही नहीं बनेंगे, ठीक है, ईयर का प्रोड्यूशन नहीं होता है। अब बात करें अगर इसके अंदर अर्ली यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में डैमेज हो जाता है तो प्लांट क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज का होता है तो वो जल्दी जल्दी ग्रो होता है और बाद में क्या होगा कि वो जो टिलर है वो ख़राब नहीं होता और उससे क्या है ग्रेन प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो यही चीज़ है अर्ली अटैक बाय द सोर्गम शूट फ्लाई ऑन मेन शूट, जो बीज का जो तना होता है मेन शूट जो होता है, ठीक है, इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ ए फ्यू सिंक्रोनस टिलर्स दैट ग्रो रैपिडली एंड सर्वाइव टू प्रोड्यूस हार्वेस्टेड ईयर, यानी कि वो क्या है ग्रो करता रहेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ चलती रहेगी और फिर क्या है प्रोड्यूस हार्वेस्टेबल ईयर, यानी कि काटनी योग्य, या बात करें हार्वेस्टिंग हम जब करते हैं तो हार्वेस्टिंग के योग्य जो है हमें उससे बाली भी मिल जाती है, कुछ ग्रेन्स भी मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा लेट भी डैमेज होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये वो उस पर दाना ही नहीं बन पाता, या फिर बात करें जो ईयर है वो बन ही नहीं पाती, ठीक है। तो ये होगी टॉलरेंस। तो ये तीन चीज़ें थी, ठीक है, नॉन होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, एंटीजिनोसिस, एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस। इसको पढ़ लेना, भी आपके आईपीएम का ही पार्ट है, इसका अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और साइंटिस्ट याद रखना, ठीक है, किसने इसको दिया था, आरएच पेंटर ने, तो ये सब ध्यान रखना, ओके। बाकी इसके बाद अगली अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट जो है आपका उसके बारे में बात करें, अब वो चाहे बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर जो लीगल कंट्रोल होता है वो क्या होता है, उसके बाद केमिकल कंट्रोल है, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। इसको पढ़ लेना भी अच्छे से।